दोस्तों मैं हूं आरजे आर्यन, झूले लद्दाख। आपको बताऊं कि लक्ष्य 2024 में एक बार फिर से लद्दाख के सुपर हीरोज को मैदान में लेके आया। आपको बताऊं कि आपको सर्दियों में सूरज गर्म करे ना करे, लेकिन लद्दाख के बच्चों का जोश देकर गर्मी आपको जरूर चढ़ने वाली है। आपको बताऊं, इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, हर साल होता है। इसका फिफ्थ सीजन जो है परेड ग्राउंड जम्मू में खेला जा रहा है। लद्दाख के बहुत से बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो अपनी टीम्स बनाते हैं, इकट्ठा होते हैं और सर्दियों में एक साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को सेलिब्रेट करते हैं। 2024 लेट्स प्ले टुगेदर जिस इवेंट में ले और कारगिल के सुपर हीरोज परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा करने का काम करते हैं साजिद और उनकी टीम। सबसे पहले आपका स्वागत है टॉप एफएम पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हर साल आप जो है लद्दाख के बच्चे इकट्ठा करते हैं, उनको परेड ग्राउंड में लेके आते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं उनको। बहुत से बच्चे इन बच्चों को देखकर इंस्पायर भी होते हैं। क्या थॉट रहा था कि इन बच्चों को ऐसे इकट्ठा करेंगे? जी, खास करके जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे खेलने आते हैं, काफ़ी बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं स्टडीज़ में, दूसरों में, तो कुछ ऐसे बच्चे परसेंटेज रह जाते हैं जो गलत कामों में तरफ चले जाते हैं। तो ये थॉट हमारे आया, तो हमें इनको वापस अपने गोल पे लाने के लिए, अपने एम पे लाने के लिए एक स्पोर्ट्स ही ऐसा एक जरिया माध्यम रहा कि जिससे हम उनको वापस कर सकें। तो लक्ष्य 5 साल से कामयाब है और काफ़ी, जैसे आपने कहा, बहुतों को इंस्पायर हो रहा है और बच्चे पूरे लेक गर्गन जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम और खुद ले और कारगिल से बाहर एयर आते हैं यहाँ पे ये मैच खेलने के, टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो हमें लग रहा है कि काफ़ी जो हम जिस एम को हम लेके चले तो काफ़ी नज़दीक है, हम उसके कोशिश चल रही है हमारी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से मैं भी टॉप एफएम का हिस्सा हूँ, लद्दाख का हिस्सा हूँ, और हर बार जब भी आता हूँ तो और ज़्यादा जोश देखने को मिलता है, और ज़्यादा ऑडियंस है बच्चों को चेयर अप करने के लिए आती है। क्या लगता है जब हर साल आप इवेंट कराते हैं और ज़्यादा प्यार मिलेगा? बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेशन तो ड्यू है यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स जिस तरीके से हमारे वहाँ खेला जाता है, जो जोश है लोगों में और जिस तरीके से अब जो भी इवेंट करें, बिना इन टीम के हम कुछ भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइज़र सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, और ख़ास करके यहाँ पे मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे मैच ऑफिशियल्स के, जो यहाँ जम्मू के ही हैं, और उनके बगैर ये वाकई टफ है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको इस प्रोफेशनल लेवल पर मेंटेन करना और वाकई एक्सटेंड आउट हमारे लिए टूर्नामेंट पूरे लद्दाख में इसलिए होता है, इसको हम कहते हैं भी कि लद्दाखी के लिए टूर्नामेंट आउटसाइड लद्दाख। तो इसके लिए जो मैच ऑफिशियल्स हैं, बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा मैं उनको। तो ये जो मैनेज करते हैं गेम को, लोग आप देखिए स्टैंड में आप कितने बड़े हैं, मैं ये सिर्फ कंपेयर नहीं करना चाहता, फिर मेरे आ रहा है कि यहाँ बड़े बड़े कप्स होते हैं, इतनी क्राउड नहीं आती है। तो ये एक हमारे लिए स्टैंड आउट है कि लोगों का प्यार देखने वालों का और खेलने वालों का बराबर मिल रहा है हमें। बिल्कुल, लद्दाख के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और आपको बताऊं कि ऑडियंस में भी 95% लोग लद्दाखी हैं जो लद्दाख के इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और चेयर अप कर रहे हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत खेला और देखा जाता है, लेकिन उम्मीद है कि फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम आएगी। क्या लगता है कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक बार हमें नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जो हाई एम तो ये रखना ही रखना है हर एक किसी का, जो फुटबॉल पहले दिन ही खेलता है उसका एक एम तो दिल में रहता है, लेकिन यही है जो कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य एक प्लेटफॉर्म बनेगा। हम कोशिश भी करेंगे कि यहीं से आस्ते आस्ते हमारे प्लेयर स्टेट लेवल के लिए खेले, नेशनल लेवल के लिए खेले और एक दिन इंटरनेशनल, वाकई दूसरी टीम कर रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं, पीछे नहीं है, और वो दिन जल्दी आने वाला है कि ये लोग परफॉर्म करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच साजिद अपना टाइम हमें देने के लिए। तो लद्दाख के बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे लद्दाख के बच्चों को, और मैं भी चाहूँगा कि आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए। फिलहाल तब तक जब सुनो टॉप सुनो। थैंक यू सो मच।